हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू बैंगन की रेसिपी। और यहाँ पे मैंने इस तरह से बराबर कर बैंगन काट लिया है और इधर मैंने छोटा छोटा करके आलू काट लिया है। आप चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करके फिर अच्छे से मैश कर लूँगी, इसका अलग स्वाद आएगा। और ये एक वेज डिश है और इसको आप प्रसाद के रूप में, भोग में, चावल के साथ भगवान को भी दे सकते हैं। तो बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिए थे, इसके ऊपर मैंने नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर डाल दिया। और इसको अब हाथ से मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी। तो हाथों से ही बैंगन में नमक और हल्दी पाउडर अच्छे से लगा लीजिए इस तरह से। तो मैंने सारे जो बैंगन हैं उसके ऊपर हल्दी और नमक लगा लिए। और इधर कढ़ाई गरम हो गया है और उसमें मैंने सरसों का तेल डाला। मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल डाला क्योंकि मैं एक ही बार में सारा बैंगन फ्राई कर लूँगी, तो बैंगन फ्राई करने में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इधर देखिए बैंगन में जो है अच्छे से हल्दी पाउडर लग गए हैं। और मैं अब एक एक करके सारा जो बैंगन है इधर डाल दूँगी। और इसको लो फ्लेम में ही फ्राई करिएगा, तब ये थोड़ा बड़ा है इसलिए अंदर से भी लो फ्लेम में पकाने से अंदर से भी ये अच्छे से पक जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। तो मैंने इसको एक बार इस तरह से पलट दिए, तो सारा जो बैंगन है मैं इस तरह से पलट लूँगी। तो सारे बैंगन को मैंने पलट दिए हैं और अब मैं इसको लो फ्लेम में ढक के रखूँगी थोड़े टाइम। तो 1 से 1.5 मिनट इसको ढक के रखे, फिर मैंने ढक्कन को उठा लिए और एक एक करके सारा जो बैंगन है इसको फिर से मैं पलट दूँगी। फिर इसको हाई टू मीडियम फ्लेम में इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंगन जो है अच्छे से ब्राउन होके फ्राई हो गया है और मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिए। और ज़्यादा जो तेल था उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया, इसको फेंकना नहीं है, आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ढक के रखेंगे। और इधर मैंने तेल कमाकर इतना ही तेल रखा है क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने कलौंजी और जीरा, साबुत जीरा डाल दिए और इसको हल्का ब्राउन होने दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी आलू जो मैंने छोटे छोटे काट के धो के रखे थे, वो सारा जो आलू है मैं यहाँ पे डाल दिए। अब आलू को चलाते हुए थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। आलू हल्का सा फ्राई हो गया है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नमक। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया हल्दी पाउडर। फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी धनिया पाउडर। तो थोड़ा सा जीरा पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए गरम मसाला पाउडर। तो सारे जो मसाला है मैंने थोड़े थोड़े करके डाल दिए। अब मसाले के साथ आलू को और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करके थोड़े टाइम फ्राई कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है क्योंकि आलू को अच्छे से पकना है, अच्छे से बॉईल होना है, और इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाला क्योंकि आलू को मैंने पहले बॉईल करके नहीं लिया है। तो आलू के साथ अब मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी जो है सूख गया है, मैंने ढक्कन उठा लिए है। और इस तरह से इससे मैं आलू को
सारा आलू को मैश कर लूँगी। तो इस तरह से इसको दबाते हुए सारे जो आलू है इसको गला लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मसाले जो है वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो सारे जो आलू है मैं इस तरह से मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो आलू है मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है और ये अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी हरी मिर्च, क्योंकि मैं इसको मैश करूँगी इसलिए मैंने यहाँ पे पहले हरी मिर्च नहीं डाला। तो ये आलू को अच्छे से गला लेने के बाद ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाले। फिर चलाते हुए थोड़ी देर फ्राई कर लेने के बाद मैं यहाँ पे पानी ऐड कर लिया। तो ये ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होंगे, मीडियम ही रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी डाला। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चुटकी बस यहाँ पे चीनी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसको अच्छे से उबलते हुए पकने देंगे। तो इसको चलाते हुए आलू को जो है पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है और इसको थोड़ा सूखने देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पानी जो है सूखना थोड़ा स्टार्ट हो गए हैं। और पानी थोड़ा सूखने के बाद ही यहाँ पे बैंगन डालेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से उबाल लेना है और पानी को थोड़ा सूख लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा सूख गए हैं। अब मैं यहाँ पे बैंगन डाल दिए। बैंगन डालने के बाद इसको थोड़ी देर और उबाल लेंगे ताकि मसाला का फ्लेवर जो है वो बैंगन में थोड़ा जाए और इसको खाने में और थोड़ा स्वाद बढ़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है उबाल आ गया है अच्छे से और बैंगन भी अच्छे से डूब गए हैं। तो मैं बस इसको थोड़ी देर ही उबालने दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको ढक के भी नहीं देना है नहीं तो ये गल जाएंगे। तो इसी तरह थोड़ी देर उबाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो बैंगन एकदम से गल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है और ये सब्जी जो है बनके तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी जो है थोड़ा सा पतला है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ही आलू का यूज़ किया है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया। लेकिन इसमें आलू का जो ग्रेवी है उसका स्वाद एक अलग तरीके से आएगा, क्योंकि आलू को हम लोगों ने फ्राई करके दिया है। अब ये देखिए मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है और ये देखने में भी सुंदर दिखते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट बनते हैं। तो एक इसको भोग के तौर पे एक डिश ये भी आप भगवान को दे सकते हैं, चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी दे सकते हैं। आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी में चावल लिया है और मैंने इस तरह से सजा कर दिखाए हैं। तो एक यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और एप्पल लिया है और इधर मैंने मलाई ली है थोड़ी सी, और यहाँ पे जो मैंने सब्जी बनाए थे बैंगन आलू के वो दिए हैं और इधर मैंने चावल दिए हैं। तो
तो इस तरह से भी आप भगवान को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। तो हर कोई अलग अलग तरह के प्रसाद बनाकर भगवान को देते हैं, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब खुश रहिएगा और जन्माष्टमी सबका शुभ रहे और सबका दिन अच्छे से गुजरे और परिवार के लोग सभी खुश रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।